शाहजहांपुर में एक घर में अचानक विशाल विस्फोट हो गया। विस्फोट में लगी आग से एक ही परिवार के 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। आशंका व्यक्त की जा रही है कि किसी विस्फोटक पदार्थ में अचानक आग लगने से ये हादसा हुआ है। फिलहाल मौके पर फॉरेंसिक की टीम जांच करने में जुटी हुई है। वहीं झुलसे हुए लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। घटना थाना सदर बाजार क्षेत्र के किला मोहल्ले की है। यहाँ के रहने वाले नगर निगम कर्मचारी भैयालाल के घर में सुबह तड़के अचानक विस्फोट हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि घर के मुख्य गेट का दरवाजा उखड़कर दूर जा गिरा। घर में रखा सामान जल गया। हादसे में नगर निगम कर्मचारी भैयालाल समेत परिवार के 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। झुलसे हुए लोगों में 2 बच्चियाँ भी शामिल हैं। आशंका व्यक्त की जा रही है कि किसी विस्फोटक पदार्थ में आग लगने के बाद यह धमाका हुआ है। सूचना के बाद मौके पर फॉरेंसिक की टीम ने जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जानकारी में पता चला है कि नगर निगम कर्मचारी का बेटा मुरली और उसकी पत्नी लंबे समय से जम्मू में नौकरी कर रहे थे। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। फिलहाल सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। यहाँ सभी का इलाज किया जा रहा है। हमारे पास मोहल्ला किला जाग थाना सदर बाजार से करीब एक ही परिवार के 5 लोग आए हैं। घर में किसी कारणवश आग लग गई थी, जिसमें पिता, बेटा, बहू और 2 बच्चों की जो है झुलसने की वो है इंजरीज आई हैं बॉडी। ये थाना सदर बाजार क्षेत्र के अंतर्गत जिला जाग मोहल्ला में आज सूचना प्राप्त हुई थी। घर में आग लगी, सूचना तत्काल मौके पर पहुंची। देखा गया है भैया लाल हैं, संविदा कर्मी है, सफाई कर्मचारी है। इनके घर पर आग लगने की सूचना देखा गया कि सुबह सुबह जब ये उठे हैं चाय बनाने के लिए, इन्होंने गैस सिलेंडर गैस चूल्हा जलाना शुरू किया। उसी समय घर में ब्लास्ट हो गया और गैस के दरवाजे वगैरह टूट गए। उसमें करीब 5 लोग गंभीर रूप से काफ़ी ज़्यादा बर्निंग हुई, जिसमें भैया लाल और उनका बेटा, उनकी पत्नी और 2 उनकी बच्चियाँ हैं और गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती हैं। और प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रात्रि में रेगुलेटर खुला छूटने जाने के कारण गैस गिरती हो गई है। और सुबह ये उन्होंने चाय बनाने के लिए लाइटर ऑन किया, उसी समय आग लगी, घर में ब्लास्ट हो गया। अच्छा, क्या स्थिति है? उनकी गंभीर बनी हुई है, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। बताया कि बर्निंग काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ इलाज ठीक चल रहा है। अगर यहाँ से जरूर समझेंगे डॉक्टर के लिए लखनऊ रेफर कराया जाएगा। बाकी मौके पर कानून व्यवस्था है, शांति बनी हुई है।